यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। एक तरफ हमने आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई, जिसे हमारी सरकार ने अमृत महोत्सव कहा, लेकिन इसी अमृत महोत्सव में विष घोल दिया दो खबरों ने। एक, राजस्थान में शिक्षक की पिटाई से दलित बच्चे इंद्र मेघवाल की मौत, और दूसरी, 15 अगस्त के दिन गुजरात दंगों के पीड़िता बिल्किस बानो के गुनाहगारों की जेल से रिहाई और फिर स्वागत सत्कार। यह दोनों घटनाएं एक व्यक्ति, एक समाज और एक राष्ट्र के तौर पर हमें शर्मसार करती हैं। लेकिन क्या हम शर्मसार हैं? सवाल है कि क्या हम शर्मसार हैं? यही तो पूछते हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्हीं की कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता का एक हिस्सा आपने पहले सुना। इसी कविता में वो आगे कहते हैं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियां, पर्वत, नहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है, जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन, किसी शासन का ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हों, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहीं सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। और इसी तरह कवि शोभा सिंह बिल्किस बानो की तरफ से बोलती हैं, मैं बिल्किस बानो, मैं नहीं हूं डर का शिकार, अब इससे अधिक बुरा क्या होगा। मैं भूल नहीं पाती उस मंजर के कोड़े जो अब तक मेरी आत्मा पर बरसते रहे। अपनों को यूं खोना, नींद में भी नुकीले कांच चुभते हैं, मैं अपनी ही देह से कांटे चुनती हूं। नफरत के बदले नफरत नहीं चाहिए, हां सबक मिले उन्हें जो नफरत की राजनीति करते करवाते हैं। दुआ दिल की है खुशहाल घर बस्ती नफरत के खौफनाक मंजर से ना गुजरें, उत्पीड़ित और अत्याचारी में फर्क रखें, भूमिकाओं की अदला बदली हरगिज नहीं करें। लेकिन यही ना हो सका, हम उत्पीड़ित और अत्याचारी में फर्क ना रख पाए। आज अत्याचारी सम्मानित हो रहे हैं, तभी हमें बिल्किस का बयान भी पढ़ना चाहिए। ये देश के नाम संदेश है जिसे लाल किले से दोहराया जाना चाहिए। बिल्किस बानो का बयान सुनिए। वो कहती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अब भी स्तब्ध हूं। किसी महिला के लिए न्याय ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? मैंने अपने देश के उच्चतम न्यायालय पर भरोसा किया, मैंने व्यवस्था पर भरोसा किया, और मैं धीरे धीरे अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी। दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली है और न्याय पर से मेरा भरोसा डिग गया है। मेरा दुख और मेरा टूट रहा भरोसा सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, बल्कि इसका राबता अदालतों में न्याय के लिए लड़ रही सभी औरतों से है। बिल्किस सभी औरतों की तरफ से बोल रही हैं, लेकिन क्या वाकई सभी औरतों के साथ ऐसा होता? वाकई अगर बिल्किस बानो का नाम बिमला देवी होता, कमला देवी होता, तो क्या सरकार उसके बलात्कारियों को भी ऐसे ही छोड़ देती?
और उनका भी ऐसा ही स्वागत सत्कार होता और हम लोग ऐसे ही चुप रहते। याद है निर्भया, जिसके लिए हमारे इसी समाज ने राष्ट्रपति भवन की दीवारें तक हिला दी थी। यही बात इंद्र मेघवाल के लिए पूछी जा रही है। अगर उसका नाम इंद्रदेव सिंह होता तो रोहित कहे मुझे कोई पायल कहे सरल, रोहित वेमुला, रोहित कहे मुझे कोई पायल कहे सरल, हर बार मुझको मारा है शंबूक की तरह। और संजीव एकल का यह शेर देखिए कि एकलव्य से एकल तलक देखिए जब कटे तब अंगूठे कटे दक्ष के। संत रैदास ने भी कहा है, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। तो जाति हो या मजहब, हमें आज समझना होगा। साहिर लुधियानवी अपने शेर में कहते हैं कि हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। इसी खुदा इसी ईश्वर की शान में गुस्ताखी या भावनाओं के आहत होने के नाम पर लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हो जाता है तो हिंदुस्तान में कोई तर्कवादी लेखक नरेंद्र दाभोलकर की जान ले लेता है, कोई पत्रकार गौरी लंकेश को मार डालता है, कोई गरीब मजदूर अफराजुल को, तो कोई गरीब दर्जी कन्हैयालाल का गला काट देता है। इसी धर्म और आस्था के नाम पर भाजपा का एक पूर्व विधायक गर्व से कहता है, अब तक हमने 5 मारे। अहमद शनाज कहते हैं, जहालत रोग था जो दिल के अंदर वही मजहब हमारा हो गया है। और आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। इसी तरह अजय सिंह कहते हैं, हत्यारा सिर्फ हत्यारा होता है, बाकी उसकी अन्य पहचान हत्या के गुनाह को छुपाने के लिए होती हैं। हत्यारे को हत्यारा कहना और बलात्कारी को बलात्कारी कहना भाषा के सही इस्तेमाल की पहली सीढ़ी है। शुक्रिया, सलाम।